गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 1 फिजिक्स मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ यूज़ किया जाता है और इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा और अलजेब्रिक मेथड। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन और वी कैन से दैट काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं। जो भी इक्वेशन हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए होगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन उस एक्सीलरेशन को हम लोग कहेंगे जो एक बॉडी के मोशन में चेंज नहीं होगा। एक बॉडी जब मूव करेगा थ्रू आउट इट्स मोशन एक्सीलरेशन शुड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वैसे एक्सीलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। और यहाँ पे जो भी इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे वो वैलिड होगा फिलहाल के लिए, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। तो पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन कैसे कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी एक्सीलरेशन, वेलोसिटी वी, एक्सीलरेशन ए, डिस्प्लेसमेंट एस, और डिस्टेंस यू कैन से दैट बिकॉज वी आर स्टडिंग इन स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर टाइम इंटरवल। इस इज डिनोटेड बाय सेट ऑफ इक्वेशन एंड दैट सेट ऑफ इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन और काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। द वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस स्लाइड इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन वेलोसिटी किसी बॉडी के वेलोसिटी और किसी बॉडी के टाइम के बीच का रिलेशन होता है। एक बॉडी के अंदर हम लोग पढ़े थे कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होता है तो उसके अंदर दो ही वेलोसिटी होती है, एक उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक फाइनल वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय यू एंड द फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी। सो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट वी विल रिमेंबर द इक्वेशंस, देन वी विल डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशंस। द फर्स्ट इक्वेशन इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन और वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। दिस इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड टी इज द टाइम। अगर इस रिलेशन को आप देखोगे तो ये रिलेशन किसके बीच में है? ये जो इक्वेशन है ये वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन और टी टाइम के बीच का रिलेशन है। ये इक्वेशन को हम तब यूज करेंगे जब हमको इन चार क्वांटिटी में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम, इन चार क्वांटिटी में कोई एक क्वांटिटी ना पता हो और तीन क्वांटिटी पता हो तो हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। अभी आप एक बात को याद रखो कि जब कोई कार या कोई व्हीकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, और जब कोई आगे जाके रुक जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। अभी इस बात को याद रखेंगे। यू इनिशियल वेलोसिटी है, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज फाइनल वेलोसिटी, वी इज फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज द डिस्प्लेसमेंट का वर्ड एंड टी इज द टाइम, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो दिस इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन यू ए एस एंड टी। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी बॉडी का जो टी टाइम में अगर कोई बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा आपको वो निकालना है तो हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। याद रखेंगे इस इक्वेशन में एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। जब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं तो हम लोग उसको डिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम लोग क्लास 9 में ये इसको हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बोल सकते हैं। लेकिन ये डिस्टेंस जो है, सपोज करो एक व्हीकल्स है, एक गाड़ी है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी 10 सेकंड तक अगर चला तो, जीरो से स्टार्ट हुआ 0 सेकंड से 10 सेकंड तक चला, 10 सेकंड के बाद वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो एस होगा, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। द वेरी थर्ड रिलेशन इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन की अगर बात करें तो इसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन आपको मिलेगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन में जो इक्वेशन होता है वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस।
यहाँ पर वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ए जो है वो एक्सीलरेशन है, और एस जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये रिलेशन को देखेंगे तो रिलेशन है वी यू ए और एस के बीच का रिलेशन है, ये ऐसा चार रिलेशन है। अब हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि एक इक्वेशन बेसिकली आपके सिलेबस में ये तीन इक्वेशन ही पढ़ने हैं आपको, तो अगर आपके एग्जाम में पूछे जाता है तो वी हैव बेसिकली थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, विद द वेरी फर्स्ट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। हम लोग दो या तीन एक्स्ट्रा इक्वेशन यहाँ पर देखेंगे जो हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हेल्पफुल मालूम पड़ेगा। अगर चौथे इक्वेशन की बात करें तो चौथा इक्वेशन हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन एनी टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन एनथ टाइम, एनथ टाइम। मैंने आपको अभी कहा कि इक्वेशन नंबर टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको बताता है कि अगर कोई बॉडी टी टाइम तक चला तो टी टाइम के बाद वो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा या कितना डिस्टेंस कवर करेगा। एक बॉडी अगर टी टाइम तक चला, 10 सेकंड तक चला, 10 सेकंड के बाद वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो बताता है हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। लेकिन अगर आपको ऐसा बताना हो कि एक बॉडी 10 सेकंड तक चला तो बताइए कि वो 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो 6ठे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, जब चौथे सेकंड की बात होगी, तीसरा सेकंड खत्म होगा, चौथा सेकंड स्टार्ट होगा, तो 4ठे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन एनथ टाइम, एनथ टाइम मतलब 4ठे सेकंड में, 5वें सेकंड में, 6ठे सेकंड में। तो अगर हमको निकालना है कि कोई बॉडी 10 सेकंड तक मूव किया और उसके 7वें सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 7वें सेकंड में, 7वें सेकंड का मतलब 6ठा सेकंड जब खत्म हुआ, तो 7वां स्टार्ट हुआ और 8वां स्टार्ट होने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर आपके पास घड़ी है तो आप मिनट में आसान से समझ सकते हो कि एक गाड़ी 10 मिनट तक चला, आपको कहा जाए कि 6ठे मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब 5 मिनट 1 सेकंड से 5 मिनट 59 सेकंड तक वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा गाड़ी, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि डिस्टेंस कवर इन 6th सेकंड। और अगर हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन इन पर्टिकुलर टाइम, एनथ टाइम, इट शुड बी इक्वल टू एस एन, एनथ टाइम है, आप इसको टीथ टाइम भी बोल सकते हो, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए बाई टू एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाई टू इन टू 2n-1। आप यहां पर इसको एन के जगह पे टी ही मान सकते हो। आपको कहा जाए कोई व्हीकल चल रहा है 7वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो S7 यू प्लस ए बाई टू टी इंटू 7-1, यानी 7वें सेकंड का आपको डिस्टेंस निकल जाएगा कि 7वें सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। पांचवा इक्वेशन को अगर देखें तो ये इक्वेशन हम ड्राइव करके, इन बेसिक इक्वेशन से ड्राइव करके इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं इफ अगर हम चाहें तो। और यहाँ पर जो इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन नंबर 3, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, नॉर्मल इक्वेशन है। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो वी, सॉरी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो वी प्लस यू इन टू वी माइनस यू इज इक्वल टू 2s, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अगर आप इक्वेशन वन इक्वेशन टू को देखेंगे तो इक्वेशन वन का वैल्यू इक्वेशन टू में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन वन में वी माइनस यू इज इक्वल टू 80 है, वी माइनस यू इज इक्वल टू 80 है, वी माइनस यू यहाँ भी आया है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ से कि वी माइनस यू को हटा सकते हैं और वी माइनस यू की जगह पे 80 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू से अगर आप देखोगे देन यू विल कम टू नो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी प्लस यू इंटू 80 इज इक्वल टू 2as, ए से ए कैंसिल और आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर एक रिलेशन मिलेगा दैट इज वी प्लस यू इज इक्वल टू 2s/t। ये आपको दूसरा इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये यू के यू वी यू एस और टी के बीच का रिलेशन है। ऐसा रिलेशन आपने ऊपर में कोई भी नहीं देखा था, वी यू एस के साथ ए का रिलेशन देखा था, वी यू ए एस देखा था, यू ए एस टी देखा था, ये रिलेशन चौथा जिसमें वी यू एस सी का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप इस इक्वेशन का भी यूज करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला जो इसी में हम लोग एक एडिशनल इक्वेशन पढ़ेंगे, वो एडिशनल इक्वेशन जो आपको है वो हम लिखेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, हालांकि वो आप ऑलरेडी अपने से भी पढ़ सकते हो अगर क्वेश्चन आता है तो, बट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, STO, स्टॉपिंग डिस्टेंस। एनसीईआरटी बुक को छोड़ के अगर आपको कोई कंपटीशन का क्वेश्चन बनाना है तो वहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस का यूज़ होता है। अब अगर आप लोगों ने गाड़ी चलाया है तो देखोगे कि जब आप सामने से किसी को आते हुए देखते हो तो आप ब्रेक मारते हो। जब ब्रेक मारते हो तो क्या, जिस वक्त आप ब्रेक मारते हो उस स्टैंड में गाड़ी रुक जाता है, आंसर इज नो। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी कुछ डिस्टेंस कवर करता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो वी कैन डिफाइन स्टॉपिंग डिस्टेंस एज व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल्स, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल्स द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स बिफोर द स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। वह डिस्टेंस जो कोई कार, जो कोई व्हीकल्स ब्रेक लगाने के बाद कवर करें, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं तो हमको क्या क्या पता है, हमको एस निकालना है, और जब हम ब्रेक, गाड़ी चल रहा है और ब्रेक लगा रहे थे, एक बात कंफर्म है कि हमारा आगे जाके गाड़ी रुक जाएगा, और यू का वैल्यू, वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम जानते हैं इक्वेशन, इस इक्वेशन से वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर से, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस से आपको निकालना है ये एस है। तो ये जीरो, जीरो इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, चूंकि ब्रेक अप्लाइड कर रहे हैं तो ब्रेक अप्लाइड करते हैं तो वो रिटार्डेशन होता है, हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ ए की जगह पे माइनस ए लिखेंगे इंटू एस। अब यहाँ से इस पूरे को उधर ले आते हैं, टू एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ से हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू ए। ये है आपको फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। वह डिस्टेंस जो एक व्हीकल्स कवर करता है आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक को अप्लाई करने के बाद जितना वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, दैट व्हाट वी कॉल स्टॉपिंग डिस्टेंस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अलजेब्रिक प्रूफ और अलजेब्रिक डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अलजेब्रिकली, पहले हम लोग अलजेब्रिकली प्रूफ करेंगे और उसके बाद ग्राफ पढ़ने के बाद ग्राफिकली प्रूफ करेंगे। एग्जाम के लिए ग्राफिकली काफी इंपॉर्टेंट होता है, बट कभी कभी आपको प्रूफ करने के लिए अलजेब्रिकली पूछ दिया जाता है। हम कंसिडर करते हैं एक बॉडी, कंसिडर्ड अ बॉडी ऑफ मास एम, एक बॉडी कंसिडर करते हैं जिसका मास एम है, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू है। मानते हैं लेट आफ्टर टाइम टी, लेट आफ्टर टाइम टी स्मॉल टी इट्स फाइनल वेलोसिटी, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करता है तब उसके अंदर दो ही वेलोसिटी होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी होता है और एक फाइनल वेलोसिटी होता है, इसके अलावा कोई वेलोसिटी नहीं होता है। पहले रिलेशन जो हम लोगों का है वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो पहले हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन को ही प्रूफ करते हैं, दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूफ करते हैं। चूंकि हम जानते हैं, वी नो डैट acceleration is equal to what, so acceleration is equal to change in velocity, change in velocity by time, change in velocity by time, acceleration is a change in velocity, that is v minus u by t. If we do cross multiply then at is equal to v minus u, is isko idhar le aate hain agar, to ye ban jayega u plus at is equal to v। थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन we are talking about displacement time relation, that is s is equal to ut plus half at square। अभी हम लोग इस इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि टी टाइम के लिए बॉडी अगर मूव किया तो टी टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। मानते हैं कि लेट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बी एस। मान लेते हैं कि जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो एस है,
तो हम लोग एक बात पहले से जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, जो भी हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं किसी बॉडी का जब वो मूव करता है, तो एक्चुअली में वो एवरेज वेलोसिटी ही होता है। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी नॉर्मल से अगर बात करें कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। चूंकि देखोगे अगर तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। बट यहाँ पर अगर देखोगे तो कौन सा वेलोसिटी, वेलोसिटी तो यहाँ पर दो है, एक इनिशियल वेलोसिटी एक फाइनल वेलोसिटी है, तो कौन सी वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे? तो सर कहेंगे कि इससे बेस्ट है कि अगर दो वेलोसिटी हमको पता है तो हम किसकी बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। याद रखिए जब हमने स्पीड पढ़ा था तो वहाँ पर एवरेज स्पीड की बात की थी, फिर मैंने एवरेज वेलोसिटी के बारे में कहा था कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो u+v/2 होता है। तो अब यहाँ पर बॉडी चल रहा है तो उसके अंदर दो वेलोसिटी, एक तो इनिशियल वेलोसिटी u, एक फाइनल वेलोसिटी v। तो अगर हम बोलते हैं कि डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल की फाइनल? तो बोलोगे एवरेज वेलोसिटी। ओके वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर एयर। कहीं कहीं पर हम डिस्टेंस लिख दिए हैं बट डिस्प्लेसमेंट ही हर जगह होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम लोग पीछे निकाले हैं u+v/2 पहले पढ़ चुके हैं, और टाइम की जगह पे हम t पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम s इज इक्वल टू u के जगह पे पहला इक्वेशन लिख सकते हैं, u के जगह पे u लिख देते हैं प्लस v के जगह पे फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन u+at/2 t वी कैन राइट दिस। ओके अब अगर यहाँ से आप यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं कि यहाँ से हमने लिखा है कि v इज इक्वल टू u+at है। आफ्टर नोइंग दिस यहाँ से हमको ये मालूम पड़ रहा है कि u+u एड अप गेट एड एंड इट विल बी 2u। सो s इज इक्वल टू वी कैन राइट 2u+at/2 इंटू टी। इफ यू मल्टीप्लाइड विद टी s इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस 2 को आप इधर कर सकते हो, इसको आप 2s भी लिख सकते हो, या फिर इससे पहले मल्टीप्लाई कर लो इसको 2ut+at2। सब में नीचे में 2 है, 2 से डिवाइड कर लो टोटल को, इट शुड बी s इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, चलो लिख देते हैं, by 2 plus at square by 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड इट शुड बी s इज इक्वल टू ut+ half at square। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut+ half at square। नाउ द वेरी थर्ड इक्वेशन इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। थर्ड इक्वेशन को भी प्रूव कर लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन v² इज इक्वल टू u² + 2s। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस इक्वेशन। एज वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा है v इज इक्वल टू u+at, तो शुड बी v इज इक्वल टू u+at। अगर यहाँ से हम t का वैल्यू निकालें तो t शुड बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, v-u = at। सो अगर t को देखें तो t इज इक्वल टू v-u/a, ये आपका t का इक्वेशन होगा। अब ऑलरेडी हम पीछे पढ़े हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वी कैन राइट मोर एप्रोप्रिएट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, पीछे देखे थे हम लोग, तो इसको तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, इंटू एवरेज वेलोसिटी u+v/2 इंटू टाइम, टाइम की जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं, तो टाइम की जगह पे हम v-u into a। अब अगर तुम देखो तो ये ऐसे ही होगा u+v into v-u, यानी ये a+v into a-b, इट शुड बी v² - u² / 2a। इस 2a को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे लाकर तो हमको मिल जाएगा ये 2as, और इस u² को अगर इधर लिया है तो वो बाद में देख लेते हैं, बन जाएगा v² - u²। तो इसको ओवरऑल हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगा, ओवरऑल हमको इक्वेशन मिल जाएगा v² = u² को इधर ले जाते हैं u² + 2as। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द अल्जेब्रिक प्रूफ ऑफ ऑल द इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑल द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। वी कैन ऑल्सो प्रूफ इक्वेशन नंबर 4 दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन एनथ टाइम
बट दिस इज़ बियॉन्ड आवर सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रूफ इट टूडे. थैंक यू.